Hello students, and here we are going to discuss problem number 6, account of charitable hospital. And from the following particulars relating to Radha Krishna Charitable Hospital, Pune, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and balance sheet as on that date. So, in this problem, we are going to prepare income and expenditure account and balance sheet. Okay, now see the receipt and payment account for the year ending 31st March 2020. Now look at the receipt side. To balance brought down cash. Now this is the last year balance. So last year ka balance hai, iske liye iska record nahi hoga in the books of account. Then next, subscription 52,000, donation. Now they given in the bracket, this is the general donation, because we know that there are two types of donation, special donation and general donation. So here this is the general donation. If the donation is a special donation, then it is treated as capital income, but this is general donation, so we treat it as a revenue income. The next is interest in investment, 10,000. And to proceed from charity show, to proceed from charity show means whatever income get from charity show, जो भी income हमें charity show से मिल रहा है वो क्या है, proceeds from charity show. Then see the payment side, medicine purchase. तो जब भी इस तरीके से information है, देख ये charitable hospital है and पेमेंट साइड में दिख रहा है मेडिसिन परचेज. इस तरीके से अगर इंफॉर्मेशन दिया है पेमेंट साइड में, तो देख लेने का कि इसका ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया है कि नहीं. देन नेक्स्ट, बाय जनरल एक्सपेंसेस, बाय सैलरीज, बाय स्टेशनरी, बाय एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, बाय सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस, बाय इक्विपमेंट एंड बाय बैलेंस कैरिड ऑन कैश इन हैंड कैश एट बैंक. ये हमारा रिसीट एंड पेमेंट था. नाउ लुक एट हियर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन. फर्स्ट, सब्सक्रिप्शन ड्यू. तो सब्सक्रिप्शन ड्यू मींस, फर्स्टली ड्यू मींस आउटस्टैंडिंग. सो दिस इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. यहाँ पे दो डेट दिए है, 1st April 2019 एंड 31st March 2020. सो दिस इज द ओपनिंग डेट एंड दिस इज द क्लोजिंग डेट. तो 310 ये जो है ये क्या क्या दिखा रहा है, 310 ये क्या दिखा रहा है, आउटस्टैंडिंग फॉर द लास्ट ईयर. ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है. एंड 350 क्या दिखा रहा है, आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, क्योंकि ये 31st मार्च का है. तो 31st मार्च का है मतलब ये आउटस्टैंडिंग है फॉर करंट ईयर. देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 600. तो ये 600 क्या दिखा रहा है, एडवांस रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर करंट ईयर. ये जो एडवांस है ये करंट ईयर का है, पर मिला कब है, लास्ट ईयर में. तो ये करंट ईयर का है एक्चुअली, पर ये लास्ट ईयर में मिला है. एंड 150 ये क्या दिखा रहा है, ये एडवांस करंट ईयर में मिला है, बट दिस एडवांस इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर. ये एडवांस रिलेट किससे कर रहा है, नेक्स्ट ईयर से रिलेट कर रहे हैं. एक बार वापस बता देती हूँ मैं आपको, सब्सक्रिप्शन ड्यू, ड्यू मीन्स आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ये जो 1st अप्रैल का आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग है ऑफ लास्ट ईयर. एंड ये जो 31st मार्च का आउटस्टैंडिंग है, दिस इज आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर. देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये जो 600 है ये करंट ईयर का अमाउंट है. ये एडवांस आपको लास्ट ईयर में मिला था, 1st अप्रैल में मिला था, पर ये अमाउंट जो है वो करंट ईयर का है. एंड ये जो 150 अमाउंट है ये हमें करंट ईयर में मिला, 31st मार्च में दिख रहा है, मतलब करंट ईयर में ये सब्सक्रिप्शन मिला, बट दिस सब्सक्रिप्शन इज रिलेटेड विद द नेक्स्ट ईयर. तो ये इस तरीके से है. देन नेक्स्ट, थर्ड, स्टॉक ऑफ मेडिसिन. दिस इज ओपनिंग स्टॉक 8,000 एंड 11,000 इज द क्लोजिंग स्टॉक. तो मैंने आपको अभी बोला कि अगर परचेस है तो देख लो ओपनिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक है कि नहीं, बिकॉज वी नो ओपनिंग स्टॉक एड परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे करके हमें क्या निकालना होता है, टोटल कंजम्पशन. देन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट,
15,000। नाउ ये जो वैल्यू है ये 1 अप्रैल की है, मीन्स दिस इज द ओपनिंग वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की ये ओपनिंग वैल्यू है। देन नेक्स्ट बिल्डिंग 40,000। अभी देखो रिसीट एंड पेमेंट में बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ नहीं है, बट यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में बिल्डिंग 40,000 है एंड बिल्डिंग से रिलेटेड सी डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 1,900 एंड बिल्डिंग 1,500। तो बिल्डिंग से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन दिया है, बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस दिया है एंड देन द डेप्रिसिएशन। कैपिटल फंड दे गिवन एंड 10% इन्वेस्टमेंट ऑल्सो दे गिवन 1 लाख। देन प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट का देखो हमारे पास कितना वैल्यू है, इक्विपमेंट का हमें यहाँ पे पेमेंट में 10,000 दिख रहा है इक्विपमेंट। देन इक्विपमेंट यहाँ पर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 15,000 दिख रहे एंड डेप्रिसिएशन है इक्विपमेंट के ऊपर 1,900। तो इस तरीके से इक्विपमेंट की इन्फॉर्मेशन दी है। नाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम इतना डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट बी केयरफुल कि किस किस पे ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है, तो ये थोड़ा सा केयरफुल रह के हमको सॉल्व करना है। सी द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम। अकाउंट ऑफ चैरिटेबल हॉस्पिटल फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। सो फर्स्टली वी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, वो पहले प्रिपेयर कर लेते हैं इन द बुक्स ऑफ राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल। सो हियर दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड हियर वी रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। दिस इज द डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, एक्सपेंडिचर है ये इनकम है एंड नाउ दिस इज बैलेंस शीट लायबिलिटी एंड असेट और फिर अमाउंट के कॉलम। तो ये हमने प्रिपेयर किया। नाउ वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द रिसीट साइड। सो फर्स्ट रिसीट साइड में देखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश। नाउ दिस इज द लास्ट ईयर बैलेंस, सो नो नीड टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। रिसीट का जो है वो कहा जाएगा इनकम में जाएगा, पेमेंट का जो है वो कहा जाता है एक्सपेंडिचर में। तो रिसीट यहाँ पे टू है, इनकम में जाएगा बाय बनेगा, पेमेंट यहाँ पे बाय है, एक्सपेंडिचर में जाएगा टू बनेगा। तो यहाँ पे टू सब्सक्रिप्शन 52,000, तो यहाँ पे जाके क्या होगा बाय सब्सक्रिप्शन 52,000, बाय सब्सक्रिप्शन 52,000। तो इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो हमने इनर कॉलम में लिख दिया इसको। देन सी द नेक्स्ट टू डोनेशन जनरल। नाउ आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिकॉज ये जनरल है इसके लिए ये डोनेशन क्या है, दिस इज द रिवेन्यू इनकम। तो ये कहा जाएगा नेचुरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम साइड क्रेडिट साइड। सो देयर इज नो एडजस्टमेंट, देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑन डोनेशन। तो हमने अमाउंट जो है वो आउटर कॉलम में लिया इसका बाय डोनेशन का। देन सी द नेक्स्ट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000, ये भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर का इंटरेस्ट है तो नेचुरली ये भी रिवेन्यू इनकम है। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000। देन नेक्स्ट टू प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो। सो द इनकम जो भी इनकम चैरिटी शो से मिला है वो है प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, तो ये भी रिवेन्यू इनकम है। तो ये भी कहाँ दिखेगा नेचुरली इनकम साइड। तो यहाँ पर भी एडजस्टमेंट नहीं है तो हमने ये आउटर कॉलम में लिख दिया। तो रिसीट के सारी एंट्री हो गई। नाउ लुक एट द पेमेंट साइड, बाय मेडिसिन परचेज 41,000। तो ये मेडिसिन परचेज ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है दिस इज रिलेटेड विद दिस इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो है ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, तो ये इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड है। बिकॉज यहाँ पे जब भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है कि परचेज दिया है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया है, इसका मतलब यह है कि आपको जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर मेडिसिन के ऊपर कितना हुआ वो कैलकुलेट करना है, टोटल मेडिसिन कंज्यूम कितना है वो कैलकुलेट करना है एक्सपेंडिचर में एंड फिर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो असेट में आएगा मेडिसिन का। तो ये जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तभी कर लेंगे इसको। फिलहाल मैं यहाँ पे बाय मेडिसिन परचेस के लिए बाय टू मेडिसिन कंज्यूम कर लेती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ मेडिसिन से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख दिया है टू मेडिसिन कंज्यूम। तो जब एडजस्टमेंट हम करेंगे इससे रिलेटेड पूरा डिटेल एडजस्टमेंट हम लोग कर लेंगे। Then by general expenses, so there is no adjustment on general expenses and this is
पेमेंट, मतलब कि ये एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे जाएगा टू जनरल एक्सपेंसेस 1050। द नेक्स्ट बाय सैलरीज 23,500, अगेन सैलरीज भी एक्सपेंडिचर है, तो टू सैलरीज 23,500। देन नेक्स्ट बाय एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, चैरिटी शो पे जो भी एक्सपेंसेस हुए, जो भी खर्चा हुआ वो, तो वो भी क्या है, दिस इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो भी दिखेगा। टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, बाय स्टेशनरी रह गया, बाय स्टेशनरी की भी पोस्टिंग कर लेते हैं, इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टू स्टेशनरी 2000, देन बाय इक्विपमेंट 10,000, तो इक्विपमेंट जो है वो असेट है, तो 10,000 का इक्विपमेंट पेमेंट में दिख रहा है। 10,000 मतलब ये क्या है, दिस इज परचेस ऑफ इक्विपमेंट, अपने इक्विपमेंट को क्या किया, परचेस किया, तो ये पेमेंट में दिख रहा है, मतलब इक्विपमेंट के ऊपर 10,000 का क्या हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है, मीन्स आपने इक्विपमेंट परचेस किए है 10,000 के। देन बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड, कैश आउट बैंक, ये हमें लिखना है बिकॉज दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस, तो ये कैश इन हैंड एंड कैश आउट बैंक असेट में आएगा, एट द सेम टाइम इक्विपमेंट की एंट्री भी असेट में होगी। तो मैंने इक्विपमेंट की सिर्फ हेडिंग दे दी है, इक्विपमेंट से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है वो करने के बाद आपको इक्विपमेंट का अमाउंट क्लियर होगा। देन कैश इन हैंड एंड कैश आउट बैंक, ये दोनों अमाउंट हमने लिख दिया। नाउ रिसीट एंड पेमेंट इज ओवर, नाउ नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो हमें स्टार्ट करना है फर्स्टली सब्सक्रिप्शन ड्यू। तो एज आई टोल्ड यू, ड्यू मीन्स आउटस्टैंडिंग, ड्यू का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग, सो दिस इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे देखो 1 अप्रैल 2019 को 310 है, मींस ये जो आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, तो लास्ट ईयर का जो भी है वो क्या होगा, लेस होगा, विच इज रिलेटेड टू लास्ट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो लेस करनी है हमें। तो ये सब्सक्रिप्शन ड्यू 310 बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द लास्ट ईयर, हमें ये क्या करना है, लेस करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है लेस सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मीन्स लास्ट ईयर 310। नाउ सब्सक्रिप्शन ड्यू 350, तो ये 31 मार्च का है, इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू द करंट ईयर, तो ये क्या होगा, बिकॉज इट इज रिलेटेड विथ करंट ईयर, तो ये क्या होगा, एड होगा, क्योंकि यहाँ पे 31 मार्च दिख रहा है और ये आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मीन्स दिस इज करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, तो ये क्या होगा, डेफिनेटली एड होगा। बाय सब्सक्रिप्शन 52,000, इसमें हमने एड किया आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 350। सेकंड नंबर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 600, तो ये 600 कब दिख रहे हैं हमें, 1 अप्रैल 2019 को, मतलब कि ये लास्ट ईयर हमें मिले हैं, ओके, पर ये एडवांस है, तो लास्ट ईयर अगर आपको एडवांस मिलता है तो नेचुरली वो करंट ईयर के लिए मिला है, ओके, तो ये एडवांस जो है दिस इज रिलेटेड विद करंट ईयर, भले ही आपको ये पैसा लास्ट ईयर मिला है पर ये एडवांस आपको करंट ईयर के लिए मिला था, तो इसके लिए ये अमाउंट भी करंट ईयर से रिलेटेड है, तो ये क्या होगी, एड होगी। सी एड एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, मतलब लास्ट ईयर में एडवांस मिला था, रिसीव्ड किया था, तो हमने ये ऐड किया, क्यों, क्योंकि ये करंट ईयर का था, इसके लिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 150, ये हमें कब मिला है, डेट देखो 31 मार्च को मिला है, मतलब कि ये हमें करंट ईयर मिला है पर ये एडवांस है, तो ये एडवांस जो है करंट ईयर में ये पैसा मिला पर ये नेक्स्ट ईयर का मिला है, तो ये अमाउंट 150 ये नेक्स्ट ईयर की है, हमें भले ही वो 31 मार्च तक मिली है, करंट ईयर में मिली है, पर ये एडवांस है, तो एडवांस है मतलब ये नेक्स्ट ईयर का है, तो जो भी हमें करंट ईयर मिलेगा एडवांस, तो वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा, और लास्ट ईयर मिला है एडवांस, तो वो करंट ईयर से रिलेटेड है, ओके, तो ये नेक्स्ट ईयर का एडवांस है, तो लेस होगा नेचुरली। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर 150, तो देखो एड क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर एड हुआ 350, एंड एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, मतलब लास्ट ईयर जो एडवांस मिला था वो भी ऐड किया, टोटल आ रही है 52,950, इसमें से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर लेस हो रहा है, एंड सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर
आउटर में अमाउंट आ रहा है 52,490। तो ये हो गया। नाउ हमें इसके सेकंड इफेक्ट करने हैं। तो सेकंड इफेक्ट किसका होगा, सेकंड इफेक्ट किसका होगा जो करंट ईयर से रिलेटेड है, उसका सेकंड इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है 350, इसका सेकंड इफेक्ट होगा। आउटस्टैंडिंग हम कहाँ लिखते हैं, असेट में, तो ये सेकंड इफेक्ट होगा असेट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 350, ये एक इफेक्ट हो गया। एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, तो ये एडवांस जो है वो हमें लास्ट ईयर में मिला था, पर इसके एंट्री नहीं होगी बिकॉज जो लास्ट ईयर का है उसका हम रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, सो दिस इज सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, तो ये करंट ईयर में मिला हुआ सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये एंट्री होगी लायबिलिटी में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 150, तो ये दो इफेक्ट हो गए जो लास्ट ईयर से रिलेटेड है, उसके हमने सेकंड इफेक्ट नहीं किए है। करंट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग है और जो करंट ईयर में अमाउंट मिला उसका सेकंड इफेक्ट हो गया। ओके, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 8,000-11,000, तो मेडिसिन से रिलेटेड हमारे पास कितने अमाउंट है, पहला अमाउंट है ओपनिंग स्टॉक का 8,000, दूसरा अमाउंट है क्लोजिंग स्टॉक का 11,000 एंड थर्ड अमाउंट इज इन पेमेंट मेडिसिन परचेस 41,000। तो ये तीन अमाउंट हमारे पास है, तो ये हमें क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक एड परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे करके हमें मेडिसिन इस साल कितना कंज्यूम हुआ, मेडिसिन के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर हुआ वो निकालना है। और ये इस तरीके से हमें इसको करना है कि ओपनिंग स्टॉक जो भी है उसमें एड परचेस एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक करके हमें टोटल मेडिसिन कंज्यूम इन दिस ईयर ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो टोटल मेडिसिन के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक 8,000 है गिवन इन एडजस्टमेंट, सी द ओपनिंग स्टॉक 8,000 फर्स्ट अप्रैल का, क्लोजिंग स्टॉक क्या है 11,000, तो क्लोजिंग स्टॉक में लिख दिया 11,000। परचेसेस हमें कहां से मिल रहे हैं, पेमेंट साइड से, मेडिसिन परचेस 41,000, ये अमाउंट मिल गया। ओपनिंग स्टॉक एड परचेसेस कितना आ रहा है देखो 49,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक 11,000 करके अमाउंट आउटर में आ रही है 38,000। तो ये हो गया, हमें इसका सेकंड इफेक्ट करना है। तो सेकंड इफेक्ट में हमें क्या दिखाना है स्टूडेंट, द क्लोजिंग स्टॉक, मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक लिखना है असेट में। ओके, तो सेकंड इफेक्ट हमें किसका देना है, ओनली क्लोजिंग स्टॉक का, सेकंड इफेक्ट असेट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 11,000। तो सेकंड इफेक्ट हमने इसमें से किसका दिया, ओनली क्लोजिंग स्टॉक, कि जो अमाउंट एट द एंड रही है मेडिसिन की वो पूरा आपका स्टॉक है जो असेट में दिखेगा। ओके, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, तो मेडिसिन के ऊपर का खत्म हो गया एडजस्टमेंट। सी द फोर्थ वन, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट के कितने वैल्यू हमारे पास है। सबसे पहली वैल्यू है यहाँ पे फर्स्ट अप्रैल को जो दी है 15,000, सेकंड वैल्यू है यहाँ पे डिप्रिसिएशन इक्विपमेंट 1,900 एंड पेमेंट साइड में दिया है 10,000। ये हमारे पास तीन अमाउंट है इक्विपमेंट के। तो देखो अभी एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 15,000, तो ये अमाउंट जो है ये फर्स्ट अप्रैल का है, मतलब ये इक्विपमेंट का ओपनिंग स्टॉक है। ओके, देन ये अमाउंट जो है ये पेमेंट का है, तो ये 10,000 जो है वो इक्विपमेंट परचेस है क्योंकि ये पेमेंट का है, इसके लिए इक्विपमेंट परचेस है। एंड दिस इज डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन है, तो इक्विपमेंट इज असेट, इक्विपमेंट क्या है असेट है, तो ये असेट में दिखेगा। असेट में मैंने हेडिंग दी है इक्विपमेंट की, सबसे पहले हमें लिखना है ओपनिंग बैलेंस। तो द ओपनिंग बैलेंस इज 15,000, ओपनिंग बैलेंस कितना है 15,000 है वो लिख दिया। उसके बाद हमें लिखना है परचेसेस,
एड परचेसेस, ये कहां से मिल रहे हमें, पेमेंट साइड में है, देखो इक्विपमेंट के पेमेंट साइड में है 10,000 के परचेस है। तो ये पहला जो वैल्यू है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 1 अप्रैल का, ये ओपनिंग बैलेंस, इसमें हमने एड परचेसेस किए 10,000 के। अभी नीचे अमाउंट आ रहा है 25,000, नीचे अमाउंट कितना आ रहा है 25,000। अब इसमें से लेस होगा डेप्रिसिएशन, बिकॉज डेप्रिसिएशन दे गिवन अस इन द एडजस्टमेंट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 1,900। तो यहाँ पे देखो ये डेप्रिसिएशन 1,900 इसमें से लेस किया, तो अभी आउटर में हमारे पास टोटल इक्विपमेंट आ रहे हैं। सो द टोटल इक्विपमेंट इज 23,100। तो स्टूडेंट जब ईयर ओपन हुआ था, मतलब कि ओपनिंग बैलेंस है वो 15,000 था, ड्यूरिंग द ईयर दे परचेस 10,000 अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट एंड देन दे लेस 1,900 डेप्रिसिएशन। सो द आउटर कॉलम में जो दिख रहा है वो टोटल अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट है। ओके, तो इसमें से हमें सेकंड इफेक्ट किसका करना है, नेचुरली डेप्रिसिएशन का, जो कि कहाँ पे दिखाना है, एक्सपेंडिचर साइड में, एक्सपेंडिचर में 1,900 डेप्रिसिएशन। सो टू डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट 1,900। मैंने इनर कॉलम में क्यों लिखा, बिकॉज बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन भी बाकी है, वो भी हमें इसमें एंटर करना है। देन द नेक्स्ट इज बिल्डिंग, बिल्डिंग से रिलेटेड हमारे पास कितने अमाउंट है, ये एक अमाउंट है 40,000 की 1 अप्रैल की। देन दे गिवन अस डेप्रिसिएशन 1,500 एंड इन रिसीट एंड पेमेंट देयर इज नथिंग ऑन बिल्डिंग। तो हमें ये दो ही अमाउंट है हमारे पास बिल्डिंग की, तो ये हमें कहाँ दिखाना है, नेचुरली असेट साइड में, बिल्डिंग 40,000 लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज 1,500 दैट इज गिवन इन एडजस्टमेंट 1,500, तो लेस करके अमाउंट कितना आ रहा है 38,500। तो यहाँ पे बिल्डिंग की ये इंफॉर्मेशन हुई। सेकंड इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन नेचुरली इन एक्सपेंडिचर साइड, सो बिल्डिंग 1,500 एक्सपेंडिचर में, तो ये हो गया। सीधा नेक्स्ट एडजस्टमेंट कैपिटल फंड, कैपिटल फंड हमें कहाँ दिखाना है, लाइबिलिटी में, कैपिटल फंड 1,70,940, इसका इफेक्ट जो है वो इनर कॉलम में करना है, बिकॉज सरप्लस या डिफिसिट है तो वो एड या लेस होगा। देन द नेक्स्ट 10% इन्वेस्टमेंट 1,00,000, नाउ दिस इज असेट, इन्वेस्टमेंट इज असेट, तो ये असेट में दिखेगा 10% इन्वेस्टमेंट 1,00,000। नाउ दिस 10% शोज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 10% क्या दिखाता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाता है। तो 1,00,000 के ऊपर 10% वी हैव टू कैलकुलेट, सो द अमाउंट इज 10,000, देखो भाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000। ओके, तो यहाँ पे हमने इसके एंट्री कर ली है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 की। नाउ इसमें अभी एडजस्टमेंट हो गए, सीधा रिसीट एंड पेमेंट साइड में क्या रह गया है, आई थिंक सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस की एंट्री हम रह गई, तो वो भी कर लेते हैं पेमेंट साइड की। 4,200 एक्सपेंडिचर में आएगा टू सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस 4,200, ये रह गया था तो ये मैंने लिख दिया। नाउ वी हैव टू क्लोज इट, अभी और कुछ बाकी नहीं है, एडजस्टमेंट हो गए एंड रिसीट एंड पेमेंट के भी सारी एंट्री हो गई। नाउ वी हैव टू क्लोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फर्स्ट, तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करना है। तो क्रेडिट साइड की जो टोटल आ रही है वो 88,520 है, वही टोटल हमने यहाँ पे डेबिट में भी लिख दी एंड डेबिट में से ये सारे अमाउंट लेस कर देंगे। डिप्रिसिएशन आउटर में ले लेते हैं, उसके पहले 3,400 जो कि आउटर में ले लिया। अभी 88,520 में से ये सारा अमाउंट लेस करना है, सारे अमाउंट की टोटल आउटर में ले ली एंड नाउ वी हैव टू क्लोज इट। तो सरप्लस जो है वो 15,820 आ रहा है, डेबिट साइड में आ रहा है तो वो क्या है, सरप्लस है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो ये सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड होगा, बिकॉज इट इज सरप्लस तो वो ऐड होगा।
एंड आउटर में टोटल आ रही है 1,86,760 एंड नाउ वी हैव टू क्लोज दिस असेट साइड। एंड द लायबिलिटी साइड तो दोनों की जो टोटल है वो मैच हो रही है 1,86,910। ओके तो इस तरीके से हमने ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके थैंक यू।